हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल बम्पाड़ा एजुकेशन। एंड हियर वी आर विद चैप्टर नंबर 6, इंडिया द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स ऑफ बुक इनक्रेडिबल वर्ल्ड, अ बुक ऑफ सोशल स्टडीज क्लास 4 डीपीएस। सो जस्ट स्टार्ट विद इंडिया द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड, मतलब भारत, तटीय मैदान और प्रायद्वीप। द दक्कन प्लेचू ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय कोस्टल प्लेन्स इन द वेस्ट एंड ईस्ट। जो दक्षिणी पठार है भारत का, वो किससे घिरा हुआ है? कोस्टल प्लेन्स, जो तटीय मैदान है, इन द कहाँ? पश्चिम और पूर्व में। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो किस किस के बीच में फैले हुए हैं? वो अरेबियन, अरब महासागर और वेस्टर्न घाट्स के बीच में स्थित है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्ट के कोई तटीय मैदान है वो किसके बीच में? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित। दीज टू कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्या, और ये दो तटीय जो मैदान है कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में, विच इज द साउथर्न मोस्टर्न टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। जो भारत का दक्षिण मुखी सबसे अंतिम किनारा या छोर है, जो भारत का मुख्य भूमि है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू केरला इन द साउथ। तो ये जो पश्चिमी तटीय कोस्टल तटीय मैदान है वो कहाँ तक फैले हुए? कच्छ ऑफ रन, गुजरात के कच्छ ऑफ रन से केरल तक, साउथ दक्षिण में। दिस कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इन 3। ये कोस्टल जो तटीय मैदान है इनको तीन भागों में बांटा जाता है। नॉर्थन पार्ट इज कॉल्ड द गुजरात कोस्ट, जो उत्तरी भाग है उसको गुजरात कोस्ट कहते हैं, जो मध्य भाग है उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग है साउथर्न पार्ट का मालाबार कोस्ट। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट। जितनी भी जो नदियां हैं इधर से पश्चिमी घाट से निकलते हैं वो छोटी हैं और बहुत तेज है, तीव्र है। द मालाबार कोस्ट इन केरला इज वेल नोन फॉर लैगून्स और बैकवाटर। जो मालाबार कोस्ट है केरला, वो किसके लिए जाना जाता है? खाड़ी के लिए, लैगून्स खाड़ी कहते हैं, या बैकवाटर मतलब एक मेड़ की तरह, ठीक है, या अप्रवाही भी कहते हैं। अ लैगून इज अ साल्ट वाटर लेक, जो एक ये जो खाड़ी बता रहे हैं ये क्या होता है? साल्ट वाटर, नमकीन पानी की झील होती है। द बैक वाटर्स आर लोकलेट कायल्स, और जो बैक वाटर्स हैं, जो मेड़ होती हैं, जो अप्रवाही होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कायल्स कहा जाता है। वेम्बानंद इज द लार्जर बैक वाटर, जो वेम्बानंद है वो केरल में सबसे बड़ा बैक वाटर है, या एक तरीके मेड़े अप्रवाही है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान। द ईस्टर्न कोस्टल एक्सटेंड फ्रॉम बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। तो ये कहाँ तक फैले हुए हैं? नॉर्थ में, उत्तर में बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक। द कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स, इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। द नॉर्थन पार्ट अलोंग बंगाल एंड कॉल्ड द नॉर्थन सिर्कर्स, जो उत्तरी भाग है बंगाल और उड़ीसा में फैला हुआ उसको नॉर्थन सिर्कर्स कहते हैं। द साउथर्न पार्ट अलोंग आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कॉल्ड द कोरामंडल कोस्ट, जो दक्षिणी भाग है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एलुवियम बॉर्ड बाय महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर। तो जो ईस्टर्न, जो पूर्वी तटीय मैदानी भाग है, किससे बना? एलुवियम, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है, जो किसके द्वारा लाई गई है? एलुवियम, महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी नदी। दिस रीजन इज, ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है। द इंडियन आइलैंड ग्रुप, तो जो भारत का प्रायद्वीप समूह है वो। द टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर द अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो जो दो मुख्य प्रायद्वीप है भारत के, अंडमान निकोबार, वो किसे? बंगाल की खाड़ी में, एंड द लक्षद्वीप और अरब सागर में लक्षद्वीप है। यहाँ आपको दिखा भी रखा है, ठीक है, इंडियन, इसमें ये बे ऑफ बंगाल है, म्यांमार, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन दिखा रहे हैं, वेस्टर्न कोस्ट की प्लेन दिखा रखी है, जो हरा भूमि ये दिखा रखी है, ठीक है, ये कन्याकुमारी दिखा रखा है, ये अंडमान है निकोबार आइलैंड ये दिखा रखे हैं, और ये लक्षद्वीप। तो ये जैसे लक्षद्वीप अरब सागर में है, और ये क्या कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान निकोबार प्रायद्वीप हैव टू ग्रुप्स, द अंडमान इन द नॉर्थ, उत्तर में अंडमान और साउथ में क्या? निकोबार। मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर हिली, ज्यादातर जो प्रायद्वीप है या द्वीप है वो क्या है? पहाड़ी है। दे आर अबाउट 1200 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता, ये कलकत्ता से 1200 किलोमीटर उधर है, और चेन्नई से। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल, और इसकी राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द इंदिरा, जो दक्षिण मुखी सबसे अंतिम छोर भारत का उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। द सेल्यूलर जेल इज इन पोर्ट ब्लेयर, सेल्यूलर जेल, अंडाकार जो जेल है, सेल की आकृति, ठीक है, वो कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। दीज आइलैंड्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, और ये जो द्वीप है ये किससे घिरे हुए? बहुत ही घने जंगलों से। द लक्षद्वीप ग्रुप इज अबाउट 200 किलोमीटर 5 अवे फ्रॉम मालाबार कोस्ट, जो लक्षद्वीप समूह है वो 200 से 500 किलोमीटर कहाँ? मालाबार कोस्ट
केरला के मालाबार कोस्ट से इतनी 200 से 500 किलोमीटर दूर स्थित है। कावरत्ती इस कैपिटल सिटी, कावरत्ती इसकी राजधानी है। दीज आइलैंड्स आर ऑफ कोरल ओरिजिन एंड हैव नो हिल्स एंड स्ट्रीम। ये क्या कोरल, मूंगा, इधर मूंगा पैदा होता है, इसमें कोई हिल नहीं है और कोई बड़ी नदियां नहीं है, नहर नहीं है। मिनी कोय इज द लार्ज आइलैंड और इसमें मिनी कोय सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, कोकोनट मेन क्रॉप। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय क्या है वो मछली पालन और कोकोनट, इधर की मुख्य फसल है नारियल की। लाइफ ऑफ पीपल कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल पीपल तटीय मैदानी में लोगों की जिंदगी कैसी होती है। द कोस्टल प्लेन्स आर स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बंगाल। तो कहाँ तक फैला हुआ है, जो कहाँ फैला हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव और इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी और ये भी सारे कोस्टल प्लेन इंडिया के में ही आते हैं, ठीक है। गुजरात, अब इसके बारे में बता रहे, गांधी इज द कैपिटल, गांधीनगर गुजराती कैपिटल है, बट अहमदाबाद लार्जेस्ट सिटी, और लेकिन अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है गुजरात का। नर्मदा तापी सा रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट, नर्मदा तापी और साबरमती नदी गुजरात में बहती है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एदर फार्मर ट्रेडर इन गुजरात, ज्यादातर लोग या तो किसान है या व्यवसायी है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, ज्वार, बाजरा, पल्सिस, ग्राउंडनट, शुगर केन, कॉटन। जो मुख्य फसलें यहाँ पैदा होती है उसमें क्या गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, दालें हैं, मूंगफली है, गन्ना है और कपास है। डेयरी फार्मिंग डेवलप इन एंड अराउंड आनंद, आनंद एक बहुत फेमस जहां पर क्या होता है डेयरी उत्पादन, पशुपालन का उत्पादन और काफी फैला हुआ है। अमूल प्रोडक्ट नोन इन द होल, अमूल के जो जैसे मक्खन आता है, ठीक है, अमूल का चीज आता है वो बहुत ही फेमस है पूरे हमारे देश में। कॉमन साल्ट इज मेड बाय ड्राइंग अप सी वाटर इन द कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में क्या होता है जो कॉमन साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, समुद्र के पानी को सुखा कर। अब ये पोर्ट ब्लेयर दिखा रखा चित्र में। पेट्रोलियम हैज बीन डिस्कवर्ड इन द कॉम्बे रीजन, कॉम्बे रीजन में पेट्रोलियम, ठीक है, पाया गया है। अहमदाबाद एंड सूरत है मैनी टेक्सटाइल मिल्स बी प्रोड्यूस कॉटन सिंथेटिक। अहमदाबाद और सूरत में बहुत सारी टेक्सटाइल कपड़े की मिल्स है जिसमें क्या होता है कॉटन और जो सेंटिक्लो से बनाया जाता है, ठीक है। इन टेक्सटाइल मिल कॉटन सूती कपड़े और सिंथेटिक मिलावट और कपड़े बनाए जाए। सूरत इज नोन फॉर डायमंड कट, सूरत क्या है हीरे की कटिंग के लिए फेमस है, हीरे का कटान होता है। द गिर नेशनल पार्क इज द नेचुरल होम फॉर एशियाटिक लायन, एशिया के शेरों के लिए जो गिर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान पार्क है वो एक प्राकृतिक घर है। पीपल स्पीक गुजराती, सिंधी, हिंदी लैंग्वेज, यहाँ लोग क्या बोलते हैं गुजराती, सिंधी और हिंदी लैंग्वेज। मैन लाइक टू वेयर चूड़ीदार पैजामा एंड कुर्ती वाइल वुमेन वेयर साड़ीज और कलरफुल लहंगा, आदमी क्या चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं, औरतें क्या पसंद करते हैं, ठीक है, साड़ी और कलरफुल लहंगा। गरबा एंड डांडिया पॉपुलर फोक डांस, यहाँ के जो लोक नृत्य हैं गरबा और डांडिया है। महाराष्ट्र, मुंबई द कैपिटल महाराष्ट्र, लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। जो मुंबई है वो क्या है महाराष्ट्र की कैपिटल है और इसमें सबसे बड़े जो समुद्र के किनारे हैं सी पोर्ट हैं जहाँ जहाज रुकते हैं वो हैं, और ये व्यापार और औद्योगिक सबसे बड़ा केंद्र है भारत का। द कोस्टल प्लेन सप्टेबल ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, जो कोस्टल तटीय मैदान है वो क्या होते हैं फल और फसलें पैदा करते हैं। द फेमस अल्फांसो मैंगोज आर प्रोड्यूस अराउंड रत्नागिरी, रत्नागिरी है जहाँ पर फेमस बहुत ही प्रसिद्ध अल्फांसो आम का उत्पादन होता है। पीपल मोस्ट स्पीक मराठी, कोंकणी, हिंदी एंड लैंग्वेज, जो लोग हैं ज्यादातर मराठी, कोंकणी और हिंदी भाषा बोलते हैं। फिशिंग इज द मेन, मछली उत्पादन या मछली मारना इनका सबसे बड़ा उद्योग है, व्यवसाय है। गोवा, इट इज द स्मॉलेस्ट इन इंडिया, ये सबसे भारत का सबसे छोटा प्रदेश है। पणजी इज द कैपिटल, पणजी गोवा की राजधानी है। द स्टेट इज वेल नोन फॉर ए ब्यूटीफुल सी बीचेस, ये क्या है समुद्र के जो सुंदर किनारों के लिए फेमस है भारत में। द मेन ऑफ ए फार्मिंग, इनका भी मेन कृषि और फिशिंग है, मछली पालन। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर, जो मेन फसल उगे उसमें राइस है, रागी है, कोकोनट है, कैजुनट से काजू है और आम है। द स्टे रिच इन आयरन, इधर आयरन आयरन के और लोहे के तत्व खनिज भी बहुत पाया जाता है। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन सी बीचेस, जो लोगों का मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो समुद्र के किनारे हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बॉम जीसस बेसिलिका में बहुत फेमस है। महालक्ष्मी टेम्पल एंड फोर्ट अगुडा, ठीक है, अगुडा का किला और महालक्ष्मी टेम्पल मंदिर। पीपल स्पीक मराठी, कोंकणी एंड पुर्तगीज लैंग्वेज, लोग क्या करते हैं मराठी बोलते, कोंकणी और पुर्तगीज लैंग्वेज भाषा। द एनुअल कार्निवल फेस्टिवल वॉज वेरी गुड, जो इधर वार्षिक कार्निवल फेस्टिवल होता है गोवा में बहुत ही फेमस है, कर्नाटका। मैंगलुरु इज द मेन सी पोर्ट अलोंग द साउथर्न पार्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट इन कर्नाटका, जो मैंगलुरु यहाँ का मेन सी पोर्ट है, ठीक है, जहाँ जहाज रुकते हैं
साउथर्न पार्ट कोंकण कोस्ट, जो साउथर्न पार्ट है कोंकण कोस्ट का, कहाँ, कर्नाटका में। द मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग, इसका भी मुख्य व्यवसाय कृषि और मछली पालन है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन स्पीसीज एंड कोकोनट, यहाँ जो मूल फसलों का उत्पादन मसाले होते हैं और नारियल। द कोस्टल एरिया अंडर डेंस टीक फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत ही घने टीक के जंगल हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, हम पिछले चैप्टर में इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ चुके हैं। केरला, द साउथर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल पे कॉल्ड द मालाबार कोस्ट, जो दक्षिणी भाग है वेस्टर्न पश्चिमी तटीय उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। इट लाइज मोस्टली, ये ज्यादातर केरला में है। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल, क्या तिरुवनंतपुरम क्या केरल की राजधानी है। द कोस्टल एरिया है बैक वाटर, क्या यहाँ पर पानी की बैक वाटर जिसको मेड़े अपरवाही भी कहते हैं, और यह केएल्स है। फार्मिंग एंड फिशिंग मेन, इधर का कृषि और मछली पालन सबसे मुख्य उत्पादन व्यवसाय है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, कोकोनट, कॉफी, कोको, स्पेयर, जो मुख्य फसल उधर पैदा हो उसमें चावल है, नारियल है, कॉफी है, कोकोआ, ठीक है, और मसाले और रबड़। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल मलयालम, ज्यादातर मुख्य भाषा मलयालम और इंग्लिश है। ओनम इज द मेन फेस्टिवल, स्नेक बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस फेस्ट, यहाँ का मुख्य त्यौहार क्या है ओनम, और उसी में क्या होता है सांप के आकार की नाव होती है, उनकी रेस होती है, दौड़ होती है, हेल्ड ड्यूरिंग जो इस फेस्टिवल ओनम के दौरान होता है। कथकली और मोहिनीअट्टम द मेन क्लासिकल डांस, कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का मुख्य क्लासिकल डांस है। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन आर कोवलम बीच एंड मुनार, मुख्य पर्यटकों का आकर्षण के कोवलम बीच, कोवलम का किनारा और मुनार। तमिलनाडु, द साउथर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कॉल्ड द कोरामंडल कोस्ट, जो दक्षिणी भाग है ईस्टर्न पूर्वी तटीय मैदानों का उसको कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। चेन्नई इज द कैपिटल, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, ठीक है। फार्म फिशिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, फार्मिंग और फिशिंग, ठीक है, कृषि और जो मछली उत्पादन का मुख्य व्यवसाय है। द मेन क्रॉप ग्रोन इन द राइस, जो मुख्य फसल उसमें चावल है। मेरीना ब्रिज बीच इज चेन इन द लॉन्गेस्ट सी बीच, जो मेरीना बीच है किनारा है वो चेन्नई सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सी बीच इंडिया, भारत सबसे समुद्री किनारा है, तट है। द मेन टूरिस्ट सेंटर्स आर द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ ममलापुरम, जो मुख्य द टूरिस्ट और पर्यटकों का रॉक कट पत्थरों काट के बनाए गए मंदिर है ममलापुरम में, रामेश्वरम और विवेकानंद मेमोरियल, विवेकानंद का जो स्मारक है वो। पौंडीचेरी, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ चेन्नई सिटी, ये चेन्नई के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, चेन्नई शहर के। द यूनिट है वंस अंडर फ्रेंच, ये यूनिकेसाई ब्रदर्स पहले कभी फ्रेंच रूल में फ्रांस के अंडर में था। द मेन क्रॉप, जो मुख्य फसल इधर पैदा की जाती है उसमें क्या, राइस है, सुगर केन है, गन्ना, मिलेट्स, ज्वार और कॉटन, कपास। द अदर पार्ट ऑफ आर माहे यनम है कार्यकल, जो दूसरे इधर के और मुख्य हैं माहे यनम कार्यकल है। द मेन सिटी है ऑरोविल, नोन फॉर मैत्र मंदिर एंड अरविंद, जो मुख्य इधर का शहर है ऑरोविल, ये जो मैत्री मंदिर और अरविंद आश्रम के लिए जाना जाता है, दिखा रखा मैत्री मंदिर। आंध्र प्रदेश, द कोस्टल एरिया ड्रेन्ड बाय द गोदावरी कृष्णा रिवर, जो ये तटीय भाग है ये किसके द्वारा सिंचित है, गोदावरी कृष्णा नदी द्वारा। राइस इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह चावल का उत्पादन होता है। फिशिंग इज ऑल्सो मेड, मछली पालन भी मुख्य व्यवसाय है। विशाखापट्टनम इज द मेन सी पोर्ट, विशाखापट्टनम यहाँ का मुख्य समुद्री तट है। इट हैज एन आयरन स्टील प्लांट, इसमें आयरन और स्टील के उद्योग लगे हुए हैं। शिप बिल्डिंग यार्ड, जहाँ पर जहाज समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। एंड ओल्ड रिफाइनरी, और जहाँ पर तेल का संशोधन होता है। बिद्री वेयर एंड कलम आर द मेन हैंडीक्राफ्ट, जो बिद्री वेयर और कलम यहाँ के मुख्य हाथों से बनाए जाने वाले, ठीक है, कारीगर हाथों से बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट। उड़ीसा, द कोस्टल प्लेन उड़ीसा कॉल्ड द नॉर्थन सर्कल, जो कोस्टल प्लेन्स है तटीय मैदान है उड़ीसा का उसको नॉर्थन सर्कल्स कहा जाता है। द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर, यहाँ पर क्या महानदी रिवर का डेल्टा बनता है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन राइस एंड, यहाँ पर मुख्य फसल क्या होती है, चावल और नारियल। पूरी भुवनेश्वर कोनार फेमस टेम्पल टाउन, जो पूरी है भुवनेश्वर कोनार बहुत ही मंदिरों के शहर है, बहुत प्रसिद्ध। पूरी इस फेमस रथ यात्रा, पूरी किसके लिए, रथ यात्रा के लिए। द अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन आर द चिल्का लेक एंड नंदन कानन नेशनल पार्क, जो दूसरे पर्यटकों के आकर्षण केंद्र चिल्का लेक है, झील है, और नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट ऑफ पीपल स्पीक उड़िया, ज्यादातर लोग उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, डैश इज फेमस फॉर यात्रा था, तो कहाँ है, पूरी, पूरी इज फेमस। द डैश, ये इधर पे आपको मरियाना आया था चेन्नई में जो है, ठीक है। मैरीना बीच इज द लॉन्गेस्ट बीच इंडिया। अरोविली इज नोन, अरोविली किसके लिए फेमस है, अरोविली इज नोन फॉर मैत्री मंदिर, यहाँ दिखा भी रखा है। स्नेक बोट रेस हेल्ड ड्यूरिंग ओनम, ये कहाँ, केरल में होता है यहाँ ओनम, ठीक है। लाइफ
इन द आइलैंड ग्रुप्स, जिंदगी ये प्रायद्वीप में या महाद्वीप समूह में, द यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार इज इन द बे ऑफ बंगाल, जो ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान में कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मोस्ट ऑफ आइलैंड थिकली, ज्यादातर जितने भी ऐसे प्रायद्वीप या महाद्वीप है उसमें घने जंगल है। द मेन क्रॉप राइस, जो मुख्य फसल होता है उसमें चावल है, मक्का है, नारियल है, रबड़ है। द ट्राइबल्स आर द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप इज इन अरेबियन सी, जो इधर पे जनजातीय लोग हैं यूनियन टेरिटरी में, लक्षद्वीप इज इन अरेबियन, जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है, अरेबियन अरब सागर में। मोस्ट ऑफ आइलैंड कोरल आइलैंड, ज़्यादातर महाद्वीप में क्या प्रायद्वीप क्या मिलता है, कोरल मूंगा। फिशिंग इज द मेन ऑक्यू, कोकोनट इज द मेन क्रॉप, यहाँ पर मछली उत्पादन या मछली को पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है, और मुख्य फसल में नारियल है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक मले, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मलयालम बोलते हैं। द टूरिस्ट कम हियर टू सी कोरल फाइन, लोग पर्यटक इधर पर क्या आते हैं, मूंगा का निर्माण होते हुए देखने के लिए। मूंगा एक तरीके का समुद्री जीव होता है, उसका फॉर्मेशन बहुत कीमती होता है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। न्यू टर्म्स इन द ऐसे इस टर्म्स क्या क्या नए शब्द है, आइलैंड लैंड सराउंडेड वाटर ऑन ऑल साइड, ऐसा मैदानी भाग जो चारों तरफ से समुद्र से या पानी से घिरा हो। बीच अ सैंडी स्ट्रेस कोस्टल एरिया फॉर्म्ड बाय सी वेव, समुद्र की जो लहरों से बना स्ट्रेस दूर दूर तक फैला हो, कोस्टल एरिया तटीय भाग उसको बीच कहते हैं। लैगून अ साल्ट वाटर लेक मोस्टली लिविंग टू द कोस्ट, जो क्या होता है समुद्र के साथ साथ समानांतर चलती है, साल्ट और नमक की नदी। कोरल द रिमेन स्मॉल क्रिएचर, जो छोटे छोटे समुद्री जीवों के क्या होते हैं अवशेष बच जाते हैं, विच टेक हार्ड एंड कलर, जिसमें कोई बहुत ही अच्छी कठोर और अलग अलग रंगों की आकार ले लेते हैं, कोरल कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, इफ यू लाइक माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। मैं ऐसे आपको चैप्टर देते रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।